नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। जी हाँ, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की बात करूं तो इस समय सीट बंटवारे को लेकर जो है उद्धव ठाकरे का जो है दिशा और दशा काफ़ी ऊपर नीचे चल रहा है। अभी कांग्रेस के साथ में उनकी बैठक थी, उनके साथ फोन पे वार्तालाप थी। कांग्रेस ने दो टूक कह दिया है कि अगर आपको 23 सीट चाहिए तो आप भाजपा के साथ जाइए। सीधा सीधा जवाब मिल गया कि आपको 23 सीट पिछले 2019 में मिला था भाजपा के साथ, तो आप 23 सीट लेने के लिए भाजपा के साथ ही जाइए, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथ में सहयोगी अनिल थत्ते जी से। उन्होंने भी कहा था कि उद्धव मतलब उद्ध्वस्त। क्या कह रहे थे सर आप? जी, उद्धव मतलब उद्ध्वस्त। तो नहीं, क्या मुझे इसके डिटेल मालूम नहीं करके आपको पूछ रहा हूँ कि ऐसा उद्धव को मैसेज दिया कांग्रेस ने जी, ये कहाँ आया है? मतलब सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा था, मैं ज्यादा करके सोशल मीडिया ही देखता हूँ। तो उसमें ऐसा खबर आई कि फोन पर उनकी वार्तालाप, न्यूज फोन पर सीधा सीधा बोल दिया गया। न्यूज चैनल से आई है क्या? नहीं, सोशल मीडिया। अच्छा, सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो लोग जो कि जो न्यूज चैनल नहीं दिखाते वो सोशल मीडिया पे आ जाता है। हाँ, बराबर। और ये बात सही था कि कल जो है कांग्रेस के साथ में उनकी फोन पे वार्तालाप थी, और उसके बाद दिल्ली भी बुलाया गया था उनको। अभी शायद आज जाएंगे या कल जाने वाले मीटिंग है जी। लेकिन उनको साफ साफ कहा गया कि अगर 23 सीट मांग को लेकर अगर आप आ रहे हो तो भूल जाइए, क्योंकि कांग्रेस जो है 21 सीट पर अपना लॉक करके बैठी हुई है। उनको 21 सीट चाहिए। अभी उसके बाद पवार साहब भी हैं, बाकी लोग भी, इंडिया घटक के और भी लोग होंगे उसमें, तो 23 सीट इनको कहाँ से मिलेगी? अगर 23 सीट आपको चाहिए तो सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि आप जाइए जहाँ से 23 सीट मिल रहा है। सर, ये मैं विश्वास नहीं करता हूँ जी, क्योंकि कांग्रेस के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि वो शिवसेना को इस तरह से भाषा यूज करेंगे। अगर उद्धव की शिवसेना उनके साथ नहीं है जी, कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस के अभी जीरो है ना, तो जीरो ही रहेंगे। है क्या कांग्रेस में दम? इतना दम होता तो खासदार नहीं बढ़ते उनके जी, कहाँ बढ़े? नहीं बढ़े ना। तो जो जब आमदार आए वो आमदार आए वहीं पे 45 पे बैठे हैं, वो 46 पे वो टूटे नहीं। इसका कारण ये है कि अभी तक तोड़ने का निर्णय नहीं हुआ है, वो भी टूटने वाले हैं और ऐसे अगले महीने में टूटेंगे जी। वो राह देख रहे हैं कि अजीत दादा के केस का क्या होता है, इसके केस का क्या होता है, शिंदे साहब के, इसके लिए रुके हैं। कभी भी वो और वो यहाँ वहाँ अलग वगैरह कुछ नहीं करेंगे। उनमें से बहुत सारे तो राजीनामा देंगे और सीधा बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि तुरंत है ही लोकसभा ही है, तुरंत 6 महीने के बाद 4 महीने के बाद विधानसभा भी है। सर, मैं बिलीव ही नहीं करूँगा कभी कि कांग्रेस ये भाषा यूज कर सकती है। उनकी तो शिवसेना के सामने फटती है। और मेरा सोर्स तगड़ा है ना, संजय राउत ने मुझे बताया है कि 23 सीटें हमने मांगी है, हमको 23 सीटें मिलेगी। भाजपा के जमाने में भी मिली थी और इसके जमाने में भी मिली थी। लेकिन तो, सर आप बोल रहे हो कांग्रेस को कि ये है मतलब हिम्मत नहीं है। हाँ, कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी इसमें है, वो तो उनका थोड़ा फर्क क्या पड़ता है, दबाव तो रहेगा। राष्ट्रीय पार्टी करके ये शिवसेना वाले कभी राष्ट्रीय पार्टी को पूछते थे तो बीजेपी को कुछ तोड़ते थे? बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टी है जी, तो उसको छोड़ दिया ना इन्होंने? छोड़ा कि नहीं? छोड़ा ना। तो राष्ट्रीय पार्टी का क्या मतलब है? राष्ट्रीय पार्टी वगैरह कुछ मानते नहीं, इसको छोड़ देंगे। किसको? शिवसेना बोले हम 48 लड़ते हैं। नहीं लड़ेंगे 48 नहीं लड़ेंगे, वो और एक तीसरी आघाड़ी बनाएंगे। कांग्रेस को अगर शिवसेना ने छोड़ा तो ये याद रखो कि राष्ट्रवादी भी छोड़ेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नजीक नहीं है। हाँ, उनके दुश्मन कांग्रेस है। कांग्रेस खत्म होगी तो ही राष्ट्रवादी आगे जिंदा रहेगी या आगे आएगी। इसके लिए फिर इनका ये हो जाएगा, राष्ट्रवादी, शिवसेना और ये तुम्हारा आंबेडकर, इनकी होगी कांग्रेस को बाजू में रख के। फिर तीन पक्ष हो जाएंगे और चौथा तो आएगा ही कोई ना कोई। तो और कांग्रेस में सर ये दम नहीं कि तुम बीजेपी के पास जाओ। वो कौन होते हैं बीजेपी? तू तेरे को मेरे साथ नहीं आना है ना, तो नहीं आ। पर ये क्यों बोल रहा है तू कि बीजेपी के साथ जा? तू कौन होता है मेरे को बीजेपी के साथ जाने वाला? मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। तो बीजेपी का ये सोशल मीडिया पे झूठ ही है, ये झूठ है। बीजेपी के पास जाओ ये सामने वाले कांग्रेस वाले कौन होते हैं कि तुमको 23 चाहिए तो उधर जाओ? अरे ये झक मार के देने वाले 23 शिवसेना को, और मानेंगे नहीं ये, और उनकी मजबूरी है। अरे जीरो वाला तू 23 मांग रहा है, 27 मांग रहा है जीरो वाला? तो इनके तो थे ना बाबा 18 थे ना जी, 18 वाले ने 21 मांगना या 23 मांगना? 18 थे सर, 18 है तो नहीं ना सर, है की बात क्या है? वो अभी तक जहाँ पे
लोग इनके गए हैं, वहाँ पे कोई चुनाव हुआ है क्या? आपको क्या पता कौन लोग कुबाटा के साथ बाकी मन में रह गए हैं और कौन निकल गए? मालूम नहीं आपको? कोई सिद्धांत ही नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है। महापालिका का तक नहीं हुआ है, नगर पालिका नहीं हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है, तो कोई आपके पास प्रूफ नहीं है कि ये गए क्या नहीं गए ऐसा। तो कांग्रेस के इसमें दम नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है, तो ये झूठी खबर है। कांग्रेस ऐसा नहीं बोल सकती, और उनकी मजबूरी है, इनको शिवसेना को साथ में लेना ही है, बिना शिवसेना वो कुछ नहीं कर सकते। और शिवसेना का सबसे ज़्यादा रहेगा क्योंकि संजय सबके ऊपर बैठा है, और संजय का ये फालतू नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार वगैरह जो बोलते हैं ना, उसको संजय कीमत नहीं देता है। संजय क्या बोलता है उनके बारे में, वो बोला तो वो अभी वो निदर्शन चालू हो जाएंगे संजय के या मेरे खिलाफ। बोलता है इनको कौन पूछता है, इनको दिल्ली में नहीं कोई पूछता है। अभी आज दिल्ली गए हैं वो जी, उनको ये नहीं पूछेंगे कि कितना क्या कर रहे हैं, वो बोलेंगे हम शिवसेना से बात कर लेंगे, जो बात करेंगे आपको बता देंगे। ये तो बोले 27 चाहिए करके, नाना पटोले गया है प्रपोजल लेके कि कांग्रेस को 27 लड़ने चाहिए, वो तो दिल्ली वाले हंसेंगे उसके ऊपर कि तेरी औकात जीरो की है, तो 27 मांग रहा है। बोला है इनको प्रपोजल दो, आप 27 मांगो और एक आध दो सीट कम करके 25 ले लो, ऐसा नाना पटोले का ही है। 25 वो ले लेंगे, 23 ही ले लेंगे, तो बचा नहीं होने वाला है साहब के लिए, क्या बचा फिर? ऐसा नहीं होने वाला ना, इनको कांग्रेस को और इनको नहीं देने वाले वो। कांग्रेस भी जीरो है, उल्टा राष्ट्रवादी के कम से कम 3 है, और इंडिया घटक के लोग कहाँ जाएंगे? इंडिया के घटक में और भी तो हाँ ना, है ना, कल हमने बोला था 3 ही पार्टी नहीं है ना। नहीं नहीं, ये अगर केजरीवाल इंडिया में आता है तो उसको भी आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। ममता आती है और आनी चाहिए करके ये सोच रहे हैं, तो वो भी खड़ी करेगी। मैंने कल बोला आपको कि गोवा में उन्होंने खर्च किया था 500 करोड़ रुपए खर्चा किया था, तो उनके भी लोग आएंगे। लेकिन ये लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि जिसकी जिस क्षेत्र में जिसकी इतनी विधायक और चीजें हैं, तो अभी आप और अलायंस और ममता का एक भी विधायक नहीं है महाराष्ट्र में। अभी शिवसेना जाके वहां तो देना है कि नहीं? शिवसेना जाके पश्चिम बंगाल बोले कि हमको सीट दो, हाँ नहीं देंगे, नहीं देंगे ना, नहीं देंगे। इसलिए वो जहां पर जिसके जहां पर वजूद है वही सीट बंटवा, वहां नहीं देंगे, मगर महाराष्ट्र में देंगे जी। वहां की स्थिति अलग है, यहाँ की स्थिति अलग है। वहां कांग्रेस को वो देने के लिए तैयार नहीं है सर। कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है 9 राज्यों में ये रहेगी, 28 राज्य है हमारे और 8 तो राष्ट्र ये केंद्र शासित है, और उन्होंने बोला 9 राज्यों में रहेगी, पंजाब में नहीं रहेगी, हरियाणा में नहीं रहेगी, दिल्ली में नहीं रहेगी, वहां पे आपको लड़ने दो, हम भी लड़ेंगे। तो ये इंडिया टूटेगी, क्षेत्र है वहां पर अपना वो नहीं ना, पर बस बिल्कुल ही साथ नहीं लेंगे, थोड़ा मोटा नहीं, वो केजरीवाल के साथ वहां बिल्कुल नहीं करे और केजरीवाल भी नहीं करेंगे, तो यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है सर। मैं दूसरा मुद्दा एक लाना चाहता था कि अभी मेरी आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं उनका एक आंदोलन चल रहा है आजाद मैदान, लाखों महिलाएं इसमें सर है, और उनको हमेशा भावबीज वगैरह बहुत भावनिक शब्द यूज किए जाते हैं, मगर असल में उनके सवाल सालों साल देख रहा हूँ वैसे ही रह रहे हैं, उनकी व्यथा जो है उसको न्याय नहीं मिला है अभी तक, वो ये थे वो भी नहीं मिला, पहले भी नहीं मिला, आज तक वो बेचारा इनका आंदोलन और आक्रंदन चालू ही है। मगर कल उन्होंने एक गलती की ऐसा मुझे लगता है, उन्होंने क्या किया कि उद्धव ठाकरे को बुलाया, हाँ उद्धव ठाकरे शिंदे फडणवीस और अजीत दादा का दुश्मन नंबर 1 है, अगर उद्धव ने अच्छा भी कुछ बोला किसी के साइड से बोला तो शिंदे साहब तो इतने दुश्मन है उसके उद्धव के कि वो बोलेंगे उद्धव ने बोला ना तो सही लो जाके नहीं उद्धव से लो तो क्या सत्ता में नहीं है ना, सत्ता में तो है नहीं वो, तो वही बोलेंगे ना, हाँ नहीं वो बोले ठीक है उद्धव को देखो क्या करता है, उद्धव के पास उधर ही पड़े रहो। फिर अपनी बहनों की गलती ये हो गई कि उन्होंने उद्धव को वहां लाया, अभी उद्धव आने की वजह से उनका काम होने वाला था तो भी सरकार नहीं करेगी, क्योंकि उसको क्रेडिट मिलेगा उद्धव ठाकरे ने क्या, और वहां जाके भी उसने उल्टा सीधा बोल दिया, सरकार को भी बोला कानफड़ात मारा, हाँ जिसके वजह से नारायण राणे को ये कानफड़ात शब्द पे उन्होंने अरेस्ट किया था, अरेस्ट किया महागाड़ी के जमाने में, तो वही शब्द बोला कि सरकार से कानफड़ात मारा तुम्हें, मतलब चुनाव के समय कानफड़ात मारा, हाँ नहीं बात कुछ भी हो सर, उद्धव को आपने लाया मतलब आप दुश्मन पार्टी हो गए, ये बहने जो है मेरी वो सब अभी दुश्मनी के इसमें गई कैटेगरी में सरकार के लिए, उद्धव कहलाते हो क्या, ठीक है उद्धव से करा लो। तो सर इनका सवाल इनके प्रश्न जो है वो जेन्यून है, उसके लिए उद्धव का लाना गलत था जी, बहुत बड़ी गलती करे, जहां उद्धव जाएगा वहां उद्ध्वस्त ही होगा, काम नहीं होगा आपका, और आपने तो उद्धव जो उल्टा सीधा बोला सरकार को वो ऐसा हो गया कि आंगनवाड़ी की बहनों ने बोला है,
क्योंकि वो उनके स्टेज पे जाके बोला तो बहनों का एक तरह से नुकसान हो गया। इसके बदले राज को भी लेके जाते ना चलता, क्योंकि ना राज कैसा है ना, सरकार से मिला हुआ है, वो चुनाव में खड़ा रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, मगर वो सरकार के काम करेगा, वोट तोड़ने का काम है उसका। बिल्कुल, इसके लिए शिंदे और उसके बहुत प्यारे संबंध है, तो वो अगर बोलता है या आंगनवाड़ी की तरफ से तो उनसे बात होती थी, शिक्षा मंडल को लेके आओ करके बोलते थे, अभी उद्योग को लेके गए तो बोलेंगे उद्योग को भी मत लाना और आप भी मत लाना, ऐसा हो जाएगा। तो सर उद्योग मतलब उद्वस्तता है, और ये आप जो बोल रहे हैं तो सर शिवसेना को 23 सीटें देने के बजाय पर्याय नहीं, इनको देना ही पड़ेगा, संजय मानेगा नहीं, वो बोलेगा ठीक है हम इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, वो नहीं धक्का दे सकते, ये दे सकते, या तो 23 या तो 48 23 या तो वो फिर दूसरे राष्ट्रवादी से केस ये करेंगे, समझौता करेंगे, और वो राष्ट्रवादी तैयार है, उनको मालूम है कि दो कैसे, शरद पवार भी उनका पक्ष टूटा है, ये भी तो ना दोनों के पक्ष टूटे हैं, तो दो पक्ष टूटने वाले एक दूसरे को सहारा देके चलेंगे काठी काठी बन के, तो वो उद्योग की बात ही झूठ है, कांग्रेस वालों की हिम्मत नहीं है ऐसे, और उद्योग को ले जाके मेरी बहनों ने गलती की बहुत, ये भी है। धन्यवाद सर। तो आपकी भी प्रतिक्रिया अगर रहेगी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, खासकर आंगनवाड़ी के ऊपर जिस तरह से उन्होंने उद्धव जी निकल जो है चुनाव के समय कान पे मारने की बात कही, और सीटों के बंटवारे भी लेकर जो उन्होंने कही उसके ऊपर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और लगे रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।